वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे गले में थोड़ा सा खराश हो गया। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन ब्रांड स्किन केयर रूटीन। यस गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हिमालय वन ब्रांड स्किन केयर रूटीन। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक जरूर करेगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए गाइस तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो रेड कलर का बटन है उससे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बगल में छोटा सा नोटिफिकेशन बेल होगा उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि आगे इसमें कोई भी वीडियो डालूं आपको उसको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड जो भी प्रोडक्ट मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ सबका रिव्यू मैंने किया हुआ है। शायद एक दो प्रोडक्ट का मैंने रिव्यू नहीं किया है, जो मैं आगे वीडियो में बता दूंगी कैसा है कैसा नहीं है। बाकी मैंने जिस भी प्रोडक्ट का रिव्यू किया हुआ है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड हेल्पफुल आपको होगा ये वीडियो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये आपको अंडर 100 रुपीज़ है। यस, अंडर 100 रुपीज़, अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले तो हेयर टाई करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है मुंबई में कि क्या ही बोलूँ। एंड सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है वाइप्स। तो मैंने यहाँ पर लिया है हिमालय का वाइप्स, जो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी जो खुशबू फ्रेग्रेंस जो है ना वो मस्त है। और आप देख सकते हो मेकअप भी बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपना मेकअप रिमूव करेंगे, देन उसके बाद हम करेंगे फेस वॉश। फेस वॉश के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हिमालय का ऑरेंज फेस वॉश। एंड उसके साथ मेरे पास एक और भी है नीम का, हिमालय नीम फेस वॉश, बट वो मेरी स्किन पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। वो बेस्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए, बट ये जो है ऑरेंज का ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये ऑल स्किन टाइप है तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। बट वो मैं यूज़ करती हूँ तो मेरे फेस पे पिंपल आ जाते हैं, इसके लिए वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने कर लिया अपने फेस को वॉश, तो मेरा मेकअप हो गया बहुत अच्छी तरीके से क्लीन। अब हम करेंगे स्क्रबिंग। यस, स्क्रबिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हिमालय का नीम स्क्रब। हिमालय का नीम का जो प्रोडक्ट होता है ना वो मुझे सूट नहीं करता, पता नहीं क्यों। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है बट इसमें जो पार्टिकल्स है ना, हिमालय का जो स्क्रब है उसके पार्टिकल्स थोड़े हार्श है, थोड़े बड़े बड़े हैं। इसके लिए बहुत ही जेंटली मसाज करिएगा अपने फेस को, बहुत ज़्यादा मसाज मत करिएगा, बहुत ही जेंटली मसाज करिएगा। इसके जो पार्टिकल्स है थोड़े से हार्श है। एंड मुझे ना नीम वाला भी सूट नहीं करता उतना, ऑरेंज वाला भी मैंने ट्राई किया वो मुझे सूट करता है, बट ठीक है कभी कभार कर लेना चाहिए, इतना भी नुकसान नहीं करता। तो अपने फेस को मैंने वॉश कर लिया स्क्रबिंग करके। बहुत ज़्यादा मैंने स्क्रबिंग नहीं किया क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े से हार्श थे। तो अपने फेस को कर लूँगी थोड़ा सा ड्राई, क्योंकि अब मैं लगाने वाली हूँ पील ऑफ मार्क्स। यस, अब मैं अप्लाई करूँगी हिमालय पील ऑफ मार्क। मेरे पास कोई फेस पैक नहीं है हिमालय का, बट मैंने नीम वाला फेस पैक यूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है नीम वाला, वो मुझे सूट करता है। लेकिन मेरे पास अभी नहीं था कुछ भी, इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पील ऑफ मार्क्स हिमालय का। पूरे फेस पे बहुत अच्छी तरीके से एक थिन लेयर अप्लाई कर लूँगी, बहुत थिक लेयर नहीं अप्लाई करूँगी, क्योंकि थिन लेयर को ड्राई होने में कम से कम 30 मिनट से ज़्यादा लग जाता है। तो आप सोच सकते हो कि ज़्यादा थिक करूँगी तो क्या होगा। एंड आप देख सकते हो मेरे फेस वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी चेंज हो गई इसको ड्राई होते होते, क्योंकि 30 मिनट बाद में फिर अगेन वीडियो बना रही थी इसके लिए। तो अभी स्लोली स्लोली इसको रिमूव कर लेंगे। आप देख सकते हो ज़्यादा तेज़ी तेज़ी से ना रिमूव नहीं करना, धीरे धीरे करना, क्योंकि हमारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है गाइस इसके लिए। एंड बैकग्राउंड में आपको बारिश की आवाज़ आ रही हुई, बहुत बारिश हो रहा है यार मुंबई में, पता नहीं क्यों इतनी बारिश हो रही, मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। बट देखते हैं आप किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो बस मैंने फटाफट से इसको रिमूव कर लिया है। एंड अब मैं अप्लाई करूँगी टोनर। मैंने फेस को नॉर्मल वाटर से पहले वॉश कर लिया था, उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ हिमालय का रिफ्रेशिंग टोनर, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्राइस भी बहुत कम है इसका। तो पूरे फेस पर पहले टोनर अप्लाई कर लूँगी। एंड सारा प्रोडक्ट अंडर 100 है गाइज, जो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपका बजट कम है तो आप इसको ये सारे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हिमालय का बेबी क्रीम, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हिमालय का बेबी क्रीम, जॉनसन्स बेबी क्रीम, ये सब ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होते, एवरीडे यूज़ के लिए बेस्ट होता है। मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। एंड मेरे स्टार्टिंग के वीडियो में और अभी के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लगा, क्योंकि ये स्किन केयर करने मुझे 1 घंटे लग गए थे इसकी वजह से, क्योंकि पील ऑफ मार्क्स ना
ड्राई होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसके लिए अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लिप बाम, हिमालय का लिप बाम, ओनली 30 रुपीज़ से 35 का ही मिल जाता है। तो मैंने सारा हिमालय का ही प्रोडक्ट यूज़ किया है। अगर आप कोई और वन ब्रांड स्किन केयर देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आप देख सकते हो मेरा फेस एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, मेकअप सारा रिमूव हो चुका है और मेरा स्किन एकदम सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इसका जो टोनर है एंड पील ऑफ मार्क्स एंड फेस वॉश, नीम वाला तो मुझे उतना नहीं पसंद, ये वाला फेस वॉश मस्त है सारे प्रोडक्ट्स गाइस। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा ना? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इट्स टोटली फ्री, सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू एंड डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर कर दीजिएगा। तो चलो, अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।